السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أهل إيمان أهل توحيد हदीस दुनिया भर को एक अल्लाह की इबादत का पैगाम देते हैं अम्बिया की दावत को अपने सीने से लगाकर कर नब्वी मनहज पे चलते हुए अल्लाह की दावत आम करते हैं जिन लोगों का गैर अल्लाह की इबादत से रिश्ता है जिनका दीन गैरुल्लाह की पूजा करना है वो अहले ईमान को अहले तौहीद को हर दौर में बुरे अलाबाद से नवाजते रहे अहले तौहीद और अहले शर्क की ये चपकलश चलती रहेगी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत तौहीद दी उस दौर के अहले शर्क ने भी किसी ने साहिर कहा किसी ने काहिन कहा किसी ने शायर कहा मुख्तलिफ इल्जाम लगाते रहे और अहले शर का यह मामला आज तक जारी है आज ही हमने कबर प्रस्तों के एक वकील खादि हुसैन रिजवी उसका क्लिप देखा कि उसके एक प्रोग्राम के अख्ताम पर एक मस्जिद के मीनारे से आजान बुलंद हुई अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हुई तो वो कहने लगा चलो ए अजान ते वाबियां दी एदा की अदब है ए है ही सूर दे सूर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना ये जिस्मानी और जहनी मरीज इसकी जुबान से निकले हुए अल्लाह मालिक की गुस्ताखी पर मुश्तमिले जुमले आजान शाह है इस्लाम की निशानी है जिसमें अल्लाह का नाम बुलंद किया जाता है रसूल सल्लाम की रिसालत कादा आवाम को सुनाया जाता है जिस आजान को कुफार भी सुनते हैं तो सर झुका देते हैं अदब एहतराम करते हैं ये फिर का प्रस्त मौलवी फिरका वारियत की आग में अहले तौहीद की नफरत से इसका दिल कितना जला हुआ है इसके अंदर अहले ईमान का अहले तौहीद का बग्ज कितना भरा हुआ है कि उस अहले तौहीद के बुग्ज़ में ये अल्लाह की गुस्ताखी करता है अल्लाह के नाम की तौहीन करता है और इस जुर्म में ये अकेला नहीं है हर दौर के अहले शिर्क का यही हाल रहा इनको दरस ही ये दिया गया इनके बड़ों ने पट्टी ही ये पढ़ाई ये हमारे हाथ में मलबूजात अहमद रजा खां बरेलवी जहलम से शाया हुई नाशिर है इसका बुक कार्नर प्रिंटर्स पब्लिशर्स मेन बाजार जेहलम और इसका सफ़ा नंबर नाइनटी एट है रिजवी ने जो आजान की तोहन की यह इस अकेले का कैदा नहीं इनकी बुनियाद रखने वाले ने माजी करीब के सबसे बड़े तकफीरी अहमद रजा खां बरेलवी कबूरी ने इनको यही गरज दिया नाइन एट पे उससे सवाल होता है की जमात छोड़कर अलग नमाज पढ़ सकता है तो जवाब में अहमद रजा खां बरेलवी कबूरी तकफीरी कहता है ना इनकी नमाज नमाज है ना इनकी जमात जमात है साहिल फिर सवाल करता है वहावियों की मस्जिद बनवाई हुई मस्जिद है या नहीं तो जवाब में ये जालिम अल्लाह के घर की तोहिन करते हुए क्या कहता है कुफार की मस्जिद मिसल घर के है अहले ईमान को अहले तोहहीद को अहर हजीज को अहमद रसाखा तकफीरी कबूरी बरेलवी काफिर कहते हुए लिखता है कुफार की मस्जिद मस्जिद घर के जैसी है कुफार का घर उस मस्जिद की कोई हैसियत नहीं उस मस्जिद का कोई अदब नहीं वो बेतुल्ला नहीं वो अल्लाह का घर नहीं वो इबादत खाना नहीं बल्कि कुफार की मस्जिद मिसल घर के है शायद फिर सवाल करता है वहां भी मोजिम की अजान का इरादा किया जाएगा या नहीं तो जवाब में अहमद बरेलवियों का बाबा इनकी बुनियाद रखने वाला कबर प्रस्तों का बानी तारीफ का सबसे बड़ा तकफीरी अपनी आवाम को दरस क्या देता है जो रिजवी के मुंह से निकला ये इसके गुरु ने यही कुछ सिखाया है जवाब में कहते हैं जिस तरह इनकी नमाज बातिल इसी तरह इनकी आजान भी बातिल है हाँ बाजी अल्लाह के नाम पर जला हो और नाम अकदस पे द्रोशरी पढ़े जो रिजवी ने अपने बाबे की इतनी सी बात भी नहीं मानी बल्कि कहा यह सूअर के सर हैं इनकी अजान का कोई एहतराम और यह कहता है, है इस जहनी मरीज ने हदीस को सर कहा आइए कुरान हकीम से हम सवाल करते हैं कि यह कबर परस ये कबरों पर सजदा करने वाले यह कबरों का तवाफ करने वाले ये मुर्दों को अपने लिए दात और मुश्किल कुशा समझने वाले ये पीरों की ढेरियों पर आके खाक छानने वाले ये उनका थूक चाटने वाले ये परले दर्जे के अहले शिर्क, अल्लाह की मखलूक में अहले शिर की हैसियत क्या है इनका मकाम क्या है ये अहले तोहिद को गाली देते हैं हालांकि इनकी अहल शिर की हैसियत मौला मालिक ने क्या बयान की अहले किताब में से जिन्होंने कुफर किया और मुशरकिन अल्लाह के साथ शिर करने वाले जहन्नम इनका ठिकाना हमेशा की आग है हुम अल्लाह की सारी मखलूक में सबसे बदतरीन मखलूक अल्लाह के साथ शिर करने वाले सुअर भी अल्लाह की मखलूक है गटर की गंदगी खाने वाला गंदा कीड़ा अल्लाह की मखलूक है लेकिन मुशरकिन के बारे में मालिक क्या फरमाता है हम सारी सारी तुम अहले तो को गालियां देते हो जिन्होंने अपना सर कभी अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकाया जिन्होंने कभी अल्लाह की तोहद में शिर की मिलावट नहीं की अजब करते हैं अंबिया का इहترام करते हैं औलिया का लेकिन औलिया और अंबिया को अल्लाह की जात सिफात इबादत में शरीक नहीं करते तुमने शरीक किया तुमने عقیده रखे वही जो मस्तवी अरस्ता खुदा होकर उधर पड़ा मदीने में मुस्तफा होकर तुमने अल्लाह और उसके रसूल को एक जात करार दिया तुम्हारे मौलवियों ने नारे लगाए हेक के हेक के हेक के

ये कुफर के अकीदे तुमने रखे और गालिए देते हो को। और के बारे में क्या है? कुरान से क्या जो ईमान लाते हैं जो अल्लाह की तोहिद को मानते हैं जो अमले सवाल करते हैं रब की सारी का सबसे बेहतरीन मखलूक अल्लाह की सारी मखलूक में सबसे बेहतरीन मखलूक अल्लाह के मवाहिद बंदे हैं और इस आजान की तोहिन करने वाले हैं मुजरिम आओ कुरान हकीम से पूछते हैं अगर दिल में ईमान हो अगर दिल में इंसानियत भी हो तो किसी के इस जुबान से दीन इस्लाम की निशानियां और शायर अल्लाह की तोहिन का तस्वर नहीं हो सकता Quran, हमे, Quran हमें कुरान देता है, है परहेजगारी से है दिलों के की निशानी है ये बात कि वो अल्लाह के शायर का एहतराम करे मरवा को शायर कहा गया क्योंकि वहां अहले ईमान आके हज करते हैं और तुमने तोहीद के वासे को आजाम के वासे को सुनकर कहा इसका कोई अदब नहीं कुरान बताता है दिल में परहेजगारी हो तो अल्लाह के नाम मंसूब चीजों की दिल में रहती है अरे तुम्हारे इस बद से बास कुफारे मक्का भी अच्छे हैं जो कुर्बानी के जानवरों की भी इज्जत किया करते थे कि ये अल्लाह के नाम पे कुर्बान होने जा रहे हैं तुम तो उससे भी आगे बढ़ गए और बहुत सारे लोग बेचैन हैं इन कबर प्रस्तों से बगलगीर होने के लिए किसी तरह हमारी मोहब्बत और फजाएं बाकी रहे लेकिन याद करो वलन तरजो एंकल यहूद वलन नशारा कुरान खबर देता है यहूद और नशारा कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते मुसलमानों से राजी नहीं हो सकते हाँ एक ही शर्त पर राजी होंगे वो शर्त हकीम ने बयान की जब तुम उनकी मिलत में चलोगे उनके रास्ता अख्तियार करोगे तब ये यह न से राधी होंगे और ऐसे ही कोई परस्त, कभी किसी कबर से राधी नहीं हो सकता इनको हसत किस बात की है इनको गम और गुस्सा किस बात का है कि ये सिर्फ एक अल्लाह की इबादत क्यों करते हैं यह हमारी तरह मुर्दों को दाता क्यों नहीं कहते मुर्दों को गरीब नवास हो बंदा नवास बंदा परवर क्यों नहीं समझते मुर्दों को गौ से आसम क्यों नहीं कहते ये फकीरों को गंज बख्श क्यों नहीं कहते इनको तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि तुम एक अल्लाह की इबादत करते हो अगर इनको राजी करने का तुमने ठान लिया है भी तो ये राजी होंगे अगर तुम इनके तरीकों पे चल के कब्रों की पूजा करो कब्रों का तवाफ करो कबरों पे सर टेको खबरों पे रुकू करो खबर की तरफ मुंह करके नमाज की हालत में खड़े हो और इस मुर्दे को जो अस्तंजा ना कर सका इस मुर्दे को जो तहारत ना कर सका इस मुर्दे को जो अपना कफन ना पहन सका इस मुर्दे को जो अपनी खबर में उतर ना सका अगर दाता नहीं मानोगे ये खबर परस कभी तुम से राबी नहीं होंगे अगर तुम तोहहीद पर रहोगे तो मुशरिकों के दिलों में अहले तोहहीद की नफरत इसी तरह बाकी रहेगी क्योंकि ये हिजबू शैतान में से है और मवाहिदीन अल्लाह के हिस्से से है इस अकीदा तोहीद को सीने से लगाइए किसी से इतिहाद कीजिए जरूरत है वक्त की इतिहाद लेकिन इतिहाद की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है अगर किसी को अहले तौहीद से ऐसी नफरत है कि वो अजान के तराम भी नहीं करता और अहले ईमान को सूर करार देता है और तुम फिर भी उसको घुटने टेक कर उसके सामने माथा उसके हाथों पे बोसे देने के लिए तैयार हो चुके हो तो अपने ईमान की फिक्र कीजिए मवाद कभी तोहिद पे कंप्रोमाइज नहीं करता अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें जिंदा रखे तो ईमान की बेहतरीन हालत में रखे मौत दे इसी तोहैद की दावत का चौकीदार बना कर दे शहादत की मौत दे के अल्लाह अपनी जन्नत में दाखिल फरमाए अकोलिहा